दोस्तों आज बताऊंगा कि जब डायोड की हम एक डाटा शीट देखते हैं, हमको डायोड की डाटा शीट देखते हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हम देखने चाहिए या फिर देखते हैं, या फिर मैं क्या क्या पैरामीटर्स देखता हूं, मैं वो बताता हूं आपको। देखो डायोड में ना, डायोड बोलते हो पहले तो सबसे पहले तो ये निशान होता है। डायोड में चार पांच चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। एक, उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, वो कितना है। जो मैंने बताया ना, डायोड का जो वैरायटी होती है वो किस टाइप से हम इस पर डोपिंग कर रहे हैं, डोपिंग की टेक्निक क्या क्या है, और जिसने डोपिंग की टेक्निक ढूंढी जो वाली, उसके नाम पर पड़ जाता है। जैसे नॉर्मली डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, जनरल पर्पज का डायोड का ऐसे रहता है 0.7 के आसपास होगा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। लेकिन और कुछ डायोड हैं, शॉटकी डायोड हैं, छोटकी डायोड का ये मात्र 0.3 0.4 के आसपास रहता है। तो कहीं पर हमें फास्ट, जहाँ पर हमें जो वोल्टेज ड्रॉप कम करवाना है बहुत, मतलब जैसे मान लो बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम है, उसमें अगर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप बहुत बड़ा डैमेज है, वेस्ट जाना है, वो ड्रॉप है, वेस्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ हम यूज़ करेंगे ये शॉटकी वाले, जिसके ड्रॉपेज 0.23 0.3 इतना रहता है, ताकि हमारा जो बैटरी से जितना पावर ले सकते हैं उतनी ले लें, फालतू की ड्रॉप ना हो। एक पॉइंट जो मैं देखता हूँ वो देखता हूँ कि फिर इसका फॉरवर्ड करंट कितना है, कि ये कितने एम्पियर तक के करंट को, या फिर कितने मिली एम्पियर के, जो भी एम्पियर मिली एम्पियर, वो कितने करंट को ये आगे पास कर सकता है, कितने समय तक। दो रेटिंग मिलेंगी आपको, एक मिलेगा कंटिन्यूस मान लो 10 एम्पियर, एक मिलेगा पीक कुछ समय के लिए इम्पल्स वाला, के भाई मान लो 10 मिली सेकेंड के लिए हम इसमें तकरीबन 400 400 एम्पीयर भेज सकते हैं। हमको फोकस करना है जो कंटिन्यूस वाला है, कि हम कंटिन्यूसली कितना एम्पीयर इसमें फ्लो कर सकते हैं, उसका आप ध्यान रखना। रिकवरी टाइम वो ध्यान रखना, कहीं आपके स्विचिंग की एप्लीकेशन है SMPS वगैरह में, या SMPS में हम जब यूज़ करते हैं स्नबर में या फिर फिल्ट्रेशन में, वहाँ पर हम फास्ट रिकवरी यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ जो सिग्नल हमें रेक्टिफाई करने होते हैं ना, वो किलो हर्ट्स में रहते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्स में रहती है। तो हम उसको चेक करते हैं कि फास्ट रिकवरी या अल्ट्रा फास्ट रिकवरी होना चाहिए। पैकेज, हम फिर पैकेज देखना है कि पैकेज कौन सा वाला हमारे सूट करेगा। ज़्यादा करंट का है तो उसको हीट सिंकिंग भी चाहिए, तो हम TO-22 इस टाइप का पैकेज लें जिसमें हीट सिंक लग जाए, या फिर कम एम्पियर है, हीट सिंक की जरूरत नहीं है तो रहने देंगे हम। फिर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिवर्स वोल्टेज वो कितनी बियर कर सकता है, उसे बोलते हैं PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। वो रिवर्स वोल्टेज कितने बियर कर सकता है, ये काम कब आती है, जब हम एक तो रिवर्स के टाइम पर काम आएंगे, बाकी जब रेक्टिफायर्स की तरह यूज करेंगे हम उसको, तब हमें जो इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं जिसको वो रेक्टिफाई कर रहा है, उसकी वोल्टेज के अगेंस्ट वो डिपेंड करता है कि कितनी उसकी रिवर्स वोल्टेज होनी चाहिए। ये भी एक देखने का पॉइंट होता है कि उसमें कि उसकी रिवर्स वोल्टेज कितनी है। यही कुछ पॉइंट्स मैं देखता हूँ जब मैं अपने किसी एप्लीकेशन के लिए डायोड को सेलेक्ट करता हूँ। इससे अगर आपको जरा कुछ आइडिया हुआ हो, पता चला हो, कुछ कमियाँ हो तो मुझे बताना, और अच्छे लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल आपने कर ही दिया होगा।